लाइव कर दिया। ओहो अच्छा चले, जस्ट अ मिनट बेटा, एक दो मिनट जस्ट आप लोगों के लिए एक हम सर्वे, जस्ट अ मिनट। चले जी, ये आपको छोटा सा बेटा पॉल लॉन्च किया है। जो लोग हमें YouTube पे देख रहे हैं वो वहां पे कमेंट्स में लिख सकते हैं उनके ख्याल में CSS की प्रेपरेशन के लिए कितना टाइम दरकार है या PMS की प्रेपरेशन के लिए कितना टाइम दरकार है, और आप क्या CSS की प्रेपरेशन कर रहे हैं या PMS की प्रेपरेशन कर रहे हैं या दोनों की प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो इस पे आप डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, यू पीपल हैव 2 मिनट्स, जल्दी करें, शाबाश। अभी कोई 25 से 30 लोगों के वोट्स आ गए। जी जी शाबाश, CSS को जी अभी तक जो रिजल्ट्स आप लोगों के साथ अभी रिजल्ट शेयर करते हैं कि CSS की तैयारी के लिए कितना टाइम चाहिए और किसका क्या ख्याल है। वैसे तो जब आपने CSS कर लेना है तो फिर आपने कहना है हमने 3 महीने में तैयारी की है, ठीक है, जिस तरह सारी कहते हैं। अच्छा सर जी, सर गुलाम हुसैन, कैन यू लिसन मी? यस सर, लाउड एंड क्लियर। चलें सर, सर माशाल्लाह से 20 और 30 30 के लोगों ने अभी पार्टिसिपेट किया, जल्दी करें शाबाश, बाकी लोग भी करें जी। अटेंडीज 46 लोगों ने, अटेंडीज आर व्यूइंग क्वेश्चंस ऑफ 60, बाकी लोगों ने क्वेश्चन व्यू नहीं किए, बाकी लोग भी कर लें, ठीक है, जल्दी करें, जल्दी सर्वे को अटेम्प्ट करें, उसके बाद फिर हम अपना काम शुरू करते हैं। अच्छा सर, जो अभी तक रिजल्ट्स आए हैं उसके मुताबिक ये है कि मैं यहाँ पे फॉल एंड कर रहा हूँ, ठीक है, और रिजल्ट्स शेयर कर देता हूँ, शेयर रिजल्ट्स, ठीक है। तो इसमें बच्चों के सामने है 21% पीपल सेड दैट के 6 मंथ के अंदर तैयारी हो सकती है, सॉरी 40%, और कोई 38%, ऑलमोस्ट उतने ही लोगों का ख्याल है कि नहीं जी 1 साल चाहिए। अच्छा, ये जो सर 2 साल वाले हैं ये कौन है जिनका ख्याल है कि 2 साल चाहिए तैयारी के लिए? सर 2 साल का मतलब है कि अगले पांच साल मतलब उनको 5 साल चाहिए तैयारी के लिए। चलिए, 1.5 साल वाले भी हैं। अच्छा सर, कुछ बहुत ही माशाल्लाह एग्रेसिव बच्चे भी हैं जिनका ख्याल है कि 4 महीने के अंदर भी तैयारी हो सकती है। अच्छा, हमारे पास सर जो ऑडियंस है उसमें ज्यादातर जो है वो PMS CSS दोनों कर रहे हैं, सिर्फ PMS बहुत थोड़े लोग हैं, ज्यादातर CSS PMS दोनों की तैयारी कर रहे हैं या सिर्फ CSS की तैयारी कर रहे हैं।
सर ओवर टू यू, पहले कि आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है, और अगर कोई बंदा अपना, क्योंकि हमने इनसे बच्चों से जो डिस्कस करना है वो मेन पर्पस तो यही है, अगर कोई बंदा कोई अपना 6 महीने का प्लान बनाता है प्रेपरेशन का, या 4 महीने का, या साल का, तो वो किन चीजों को अपने जहन में रखेगा या मद्देनजर रखेगा अपना वो प्लान बनाते हुए? ठीक है, तो रिजल्ट पहले आप अपना ओपिनियन दे दें कि आपके ख्याल में कितना का टाइम चाहिए। ऑब्वियसली इट्स नॉट फिक्स, इट डिपेंड्स अपॉन कैपेसिटी, कैलिबर, एकेडमिक बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड कर रहा होता है। ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी रिवर। माय नेम इज गुलाम हुसैन एंड आई एम अ पीएमएस ऑफिसर। प्रीवियसली आई बीन सर्विंग एज अ लेक्चरर इन इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट 7 years, और उससे पहले भी मैं काफ़ी जॉब्स करता रहा हूँ 16-14 ग्रेड की और 17 ग्रेड की। तो यहाँ पर स्टडी रिवर के फोरम से जो हमारा 6 months प्रोग्राम है, कि 6 month प्रोग्राम में हम हमारी क्या स्ट्रेटजी है, क्या तरीकाकार है, वो मियाँ साहब भी बताएंगे, कुछ मैं भी बताने की कोशिश करूँगा। और हमने ये पहले पोल करवाया है और इसमें हमने ये गेस करने की कोशिश की है कि ज़्यादातर ओपिनियन जो लोगों की है वो क्या है, कि 4 माह में तैयारी हो सकती है, 3 माह में हो सकती है, 6 माह में हो सकती है, 1 साल में, 1.5 साल में, देन 2 years। ठीक है, अब हम यहाँ पे मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरी जो जो ओपिनियन है वो मैं यहाँ पे दूंगा, और स्टूडेंट्स पे ही बात जाहिर है उस पर एंड होती है। सर मेरी यहाँ पे ये ओपिनियन है कि जो लोग 4 months कह रहे हैं वो जो हमारा एक कह लें कि फाउंडेशन होती है या ग्राउंड होता है, जिसको हम यूजुअली इंग्लिश लैंग्वेज कहते हैं, अगर उनकी इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छी है, उनको वोकैबुलरी का मसला नहीं है, उनको पैराग्राफ लिखने का मसला नहीं है, उनके लिए लैंग्वेज कम्युनिकेशन या जो मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है उसका इश्यू नहीं है, तो उनका आधा काम हो गया। ठीक है, वो 4 माह में अगर कह रहे हैं तो ये सही है। अच्छा, उसके बाद आते हैं 6 माह वाले। 6 माह में बातें आ जाती फिर लैंग्वेज प्लस जनरल स्टडी या बेसिक स्टडी। अब जनरल और बेसिक स्टडी क्या होती है? जनरल रीडिंग जिसको हम कहते हैं जनरल स्टडी या जनरल रीडिंग, वो होती है कि जी आपके हाथ इकोनॉमी की बुक लगी है, इकोनॉमिक्स की बुक लगी, आपने पढ़ ली, आपके हाथ जो है लिटरेचर का नावल लगा, आपने पढ़ लिया, आपका जो एरिया ऑफ स्टडी है, जो एरिया ऑफ आपका रीडिंग है, वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली वाइडर है उन लोगों से जो अभी जनरल स्टडी में या रीडिंग में नहीं आए। ये 6 month, मतलब 4 months आपको लैंग्वेज पे अबूर होना चाहिए प्लस जनरल स्टडी, और ये भी होना चाहिए 6 months में जनरल स्टडी और बेसिक रीडिंग आपकी कंपैरेटिवली 4 months वालों से थोड़ी सी कम होती है, लेकिन जो 1 साल वाले का प्लान है उससे थोड़ी बेहतर होती है। जो 1 साल का प्लान होता है सर, 1 साल में हम ये देखते हैं कि जी बहुत सारे बच्चे जो यूनिवर्सिटी से फौरन ही आके सीएसएस में आते हैं, और पहले उनकी जो डिग्री है वो प्रोफेशनल डिग्री होती है, जिसने उनका बहुत सारा टाइम कंज्यूम किया होता है, जैसे एग्रेरियन है, साइंस के स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं खासतौर पर, और आजकल जो लॉट है वो बहुत ज्यादा लॉट यही आ रही है, जो लोग बीएस करके आते हैं साइंस सब्जेक्ट्स में या किसी प्रोफेशनल डिग्री में, तो उनको ये इश्यू होता है कि वो आते ही जो चीजें हैं बेसिक चीजें उनको पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो जो बेसिक चीजें जनरल स्टडी और जिनकी लैंग्वेज का अभी मसला है, प्रॉब्लम है, जिनकी इशू है, उन लोगों के लिए है कि वो 1 साल के का प्लान बनाए और 1 साल में इसको कैरी ओवर करें। जबकि जो 1.5 साल और 2 साल वाला प्लान है सर, उससे 1.5 साल वाला प्लान तो सम आओ, अगर कोई एग्जेक्टिव है जो जॉब जॉबियंस है, जॉब कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं साथ साथ, या कोई बिजनेस साथ चला रहे हैं, मतलब दे आर आल्सो ब्रेड विनर फॉर देयर फैमिलीज, काम भी कर रहे हैं साथ में पढ़ाई भी चला रहे हैं, तो उनके लिए 1.5 साल का जो प्लान है वो समझ में आता है। लेकिन ये 2 साल वाला प्लान है सर, इससे तो मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता, इतना लंबा प्लान आपका नहीं होना चाहिए और ना ही इतना लंबे अरसे तक आप सस्टेन कर सकते हैं, क्योंकि वो चाइनीज कहावत है कि जितना टाइम आपका बढ़ता जाएगा, जितना टाइम
आप एक्सपैंड करते जाएंगे, आपकी इंथुजियाज्म और आपकी एनर्जी जो है उतना लूज होती जाएगी। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सब्जेक्ट्स, अबाउट द लैंग्वेज, अबाउट कम्युनिकेशन मीडियम इज गुड, देन गो फॉर 6 months। इफ यू आर मीन्स के आप अभी मीडियोकर हैं, अभी आपने रीडिंग करनी है, आपने चीजों को लेकर चलना है, आप फैमिली बैकग्राउंड डेफिनेटली इट मैटर्स कि हम इसको बिल्कुल भी निग्लेक्ट नहीं कर सकते कि जी आपका फैमिली, अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड पढ़ा लिखा है, आपके फैमिली में कोई ऑलरेडी सिविल सर्विस में है, उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। अगर कोई आपको मैट्रिक से ऑनवर्ड्स या इवन वो 5th class से उसको गाइडलाइन मिल रही होती है कि आप ये चीज पढ़ो, ये चीज पढ़ो, ये चीज पढ़ो, तो जो बच्चा इवन मास्टर्स करने के बाद जिसको मेंटोरिंग मिलती है सर कि जी आप अभी स्टार्ट करें और ये पढ़े ये पढ़े, तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कंपैरेटिवली। और इसके अलावा जो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है वो भी डेफिनेटली मैटर करता है। जो लोग ज्यादा अफ्लुएंट होते हैं, वेल टू डू होते हैं, वो चीज़ों को जल्दी मैनेज कर लेते हैं। जो मीडियोकर होते हैं, फाइनेंशियल जिनकी कंस्ट्रेंट्स होती हैं, उनके लिए थोड़ा कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होता है कि वो लंबे अरसे तक या बहुत ही बिल्कुल शॉर्ट अरसे तक इसको सस्टेन कर सके। तो वो मिडल में ही रहते हैं कि कहीं उन पे जो है उनका जो चीजें मेंटेन हो जाए। सर मेरी अच्छा, तो यहाँ पे माजद मैं आपको सर रुकूंगा, ठीक है। अच्छा मुझे सर, अब मैं आपका स्टूडेंट हूँ, ठीक है, नलायक सा, तो अब आपसे मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। मैंने अभी सीएसआर सर शुरू किया, ठीक है सर। तो मेरा सर आपसे सवाल है, मैं सर सीएसएस की तैयारी पहले करूं के सर या पीएमएस की तैयारी करूं पहले, या मैं सर दोनों इकट्ठी करूं? सर देखा जाए तो पीएमएस और सीएसएस में अब जितनी बड़ी एकेडमीज हैं, जितने बड़े नाम हैं, जितने बड़े मेंटोर हैं, सारे सीएसएस उब्लीक पीएमएस लगाते हैं, ठीक है। हर जगह पे आपको सीएसएस अकेला कहीं पे नजर नहीं आएगा, ठीक है। अब पीएमएस एक कैडर के तौर पर, एक सर्विस के तौर पर सामने आ चुका है, उसका कैरियर प्रोग्रेशन बहुत अच्छा है और सैलरी तो आपको पता ही है, फिर सैलरी इसमें बहुत अच्छी है। अच्छा सर, मेरा जो पर्सपेक्टिव है ना, मेरा सर पर्सपेक्टिव है कि क्रैक करने के लिहाज से मैं अपनी एनर्जी किसी एक एग्जाम पे फोकस करूं या कि मैं डिवाइडर हूं, कभी इसको पकड़ लूं, कभी उसको पकड़ लूं, या पहले एक पकड़ लूं या दूसरे को तैयार कर। एक तीर से दो शिकार, ठीक है, एक तीर से दो शिकार करने चाहिए। टाइम क्योंकि बहुत कम होता है एग्जाम की तैयारी के लिए, या जिसे आप कहते हैं कि अगर आप पीएमएस सीएसएस दोनों करना चाहते हैं तो 6 मंथ में आप एक तरह प्लान बना सकते हैं कि पहले वो सब्जेक्ट कर लें जो ओवरलैप कर रहे हैं, उसमें आ रहे हैं। एग्जाम्पल इंग्लिश प्रेसी कंपोजिशन है, इंग्लिश एसे है जी, आपका इस्लामियात है, पाकिस्तान अफेयर्स है। अच्छा कुछ बच्चे ऑप्शनल हैं जो कि सीएसएस में भी सेम होते हैं और पीएमएस में भी सेम होते हैं, ठीक है, उनको वो कर सकते हैं। अब सीएसएस और पीएमएस में जीके का फर्क है, इधर जीके एमसीक्यूज है, 100 नंबर का है, और उर्दू जनरल जो है वो एडिशनल है, और उधर जो है जीके जो है वो 300 नंबर का है, जिसमें एवरीडे साइंस, करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स आ जाता है। तो ओवरऑल सर, अगर एक बच्चा मल्टी टास्किंग है, वो चीजों को मैनेज करना जानता है, और डेफिनेटली मैं और आप, हम इसीलिए बैठे हैं कि बच्चों को ये सिखा सकें कि ज्यादा चीजों को अपने कम टाइम में मैनेज किस तरह से करना है। तो मेरी ओपिनियन है कि सर दोनों को साथ चलाना चाहिए। यू मे डिफर। नहीं नहीं सर, मैं सर कैसे जरूरत कर सकता हूँ आपसे, मैं डिफर करूँ, ठीक है जी। अच्छा सर, एक चैलेंज तो ये तो चीज होगी, 6 months के अंदर, आई एग्री टू दिस के 6 months के अंदर अगर आपकी अच्छी प्लानिंग के साथ अगर आप चलते हैं, और जिसपे हमने पूरी कल जो वीडियो की थी वो मेनली थी इस चीज पे कि आप अपनी 6 months के अंदर तैयारी कर सकते हैं अगर आप प्लानिंग से उस पर वर्क करते हैं, ठीक है। अच्छा आप सर, 6 months का प्लान किस तरह से होना चाहिए, क्या कुछ सब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट भी होनी चाहिए? लाइक फर्स्ट, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सबसे पहले आप अपनी लैंग्वेज ग्रामर जिस तरह आप बेसिक पढ़ाते हैं, अगर किसी की बहुत ज्यादा बेसिक्स वीक है तो पहले उस पर वर्क करें। अगर किसी को लगता है कि भाई उसने तो पहले अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ा हुआ है, उसके लैंग्वेज का इशू नहीं है, ठीक है, तो वो बेसिक्स को छोड़े
और वो डायरेक्टली स्टार्ट कर ले अपना इंग्लिश ग्रामर से, पाक फिर करंट अफेयर से स्टार्ट कर ले और ऐसे पॉइंट पे लेके चले ना। हाउ पार्ट मतलब अब हम हवा में तो बातें नहीं ना कर सकते बिल्कुल। हाउ पार्ट मतलब प्लानिंग जो है वो सब्जेक्ट को कैसे लेके चलना है। और उसमें भी सर एक पहले मैं आपका ओपिनियन यहाँ पे मांगूंगा कि लाइक फर्स्ट के मैं अपना बताता हूँ। मैं एट ए टाइम एक सब्जेक्ट लेके चलता था और 1 महीने में 100 मार्क्स का सब्जेक्ट पढ़ा उसको खत्म किया साइड पे, या 15 दिन में 100 मार्क्स का सब्जेक्ट पढ़ा उसको खत्म किया साइड पे और फिर अगला सब्जेक्ट पकड़ लिया। आप क्या स्ट्रेटजी इसके मेरी लिए? मेरी मेरी जो ओपिनियन है सर, मेरी ओपिनियन इसमें ये है कि कुछ तो चीजें होती हैं जिनको आपने रेगुलर बेसिस पे करना होता है। जैसे आप अखबार पढ़ रहे हैं, अखबार आप 1 महीने में पढ़ें और अगले महीने ना पढ़ें, ऐसा नहीं हो सकता। अखबार आपको रोजाना पढ़ना पड़ता है। वोकैबलरी है, इडियम्स हैं, पेयर वर्ड्स हैं, करेक्शन के सेंटेंसेस हैं, ये वो चीजें हैं जो आपको डेली बेसिस पे करनी पड़ती हैं। मतलब मैं ये समझता हूँ कि अगर आप आधा घंटा वोकैबलरी को देते हैं, 1 घंटा अगर आप न्यूज़पेपर को देते हैं, इट्स सफिशियंट। उसके ठीक साथ है। फिर आप एक सब्जेक्ट चला सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर, जो आपने दूसरा सवाल किया कि जी क्या तैयारी जो है वो सारे सब्जेक्ट्स की इकट्ठे करनी चाहिए या फिर उसको पीस मील में, पार्ट्स में, पोर्शंस में करना चाहिए? तो सर आई फॉलो यू एग्जैक्टली एज यू सेड इन द प्रीवियस वीडियो कि जी आप उन चीजों को जो रिजल्टेंट है योर होल प्रिपरेशन उनको एंड पर रखें। जैसे ऐसे आपने कल भी ये वीडियो में कहा था और मैं इस बात से बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ कि ऐसे को आप एंड पे रखें जब आप करंट अफेयर्स पढ़ चुके हों, जब आप इंडो पाक हिस्ट्री सॉरी पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ चुके हों, जब आप इस्लामियात तैयार कर चुके हों, आपका इस्लाम फोबिया का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका हो, आपका फॉरेन पॉलिसी के ऊपर कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका हो, आपके करंट इश्यूज के ऊपर कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हो, तो आपका ऐसे ज्यादा रिफाइंड और ज्यादा अच्छा लिखा जाएगा। इसी तरह ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट आप सारे फर्स्ट स्टार्ट में नहीं कर सकते। अब कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जैसे अभी बच्चे ने इंडो पाक हिस्ट्री का कहा, यूरोपियन हिस्ट्री का कहा, यूएस हिस्ट्री है या बाकी आईआर है, पॉलिटिकल साइंस है। अगर आप पाकिस्तान अफेयर्स की क्लासेस ले रहे हैं तो साथ में पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस उसको थोड़ा सा रिलेट कर लें, या फिर आप पॉलिटिकल साइंस की क्लास पहले ले रहे हैं तो पाकिस्तान अफेयर की क्लास उसके बाद लें, ताकि एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए, फिर उसके अकॉर्डिंगली दूसरा कंसेप्ट आपका पैरेलल उसके आपकी ओपिनियन अच्छी तरह से बिल्ड हो जाए। जी सर, ओवर टू यू सर। चलें जी। अच्छा जी बच्चों, कोई सबसे पहले तो एक तो पहली बात है, आपका क्वेश्चन सिर्फ प्रेपरेशन प्लान के रिलेटेड होना चाहिए। आज कोई क्यूरी सब्जेक्ट सिलेक्शन के रिलेटेड नहीं ली जाएगी। हमारा ऑनलाइन सेमिनार, ऑन कैंपस सेमिनार 26 को यहाँ पे होना है। जो यहाँ पे लाहौर में या बाहर से भी क्यों लोग आना चाहते हैं, सैटरडे को शाम 7 बजे, सैटरडे को शाम 7 बजे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। फी देखें जी, पूरा जो फुल कोर्स है, मैं इस पे 1 मिनट में एक स्लाइड पे हम पहले भी कई दफा बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अभी ऑडियंस अवेलेबल है, मैं इसको बता देता हूँ फिर डिटेल में, ताकि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो फी के मुतलक। जस्ट अ मिनट। हम जो कोर्स ऑफर कर रहे हैं उसके मैं आपको बेसिक बता देता हूँ, और आई एम प्राउड ऑफ इट। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस तरह से कोई एकेडमी कोर्स ऑफर नहीं कर रही, ठीक है। हमारे अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स या किसी भी एकेडमी में आप जाते हैं तो ये 90K तक फीस सब बनती है। आप तो बड़ी एकेडमी में, किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, कोई भी जो बड़े बड़े नाम बन समझे जाते हैं, ठीक है ना, जो पुराने नाम समझे जाते हैं, हम तो अभी नए आए हैं ना, तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे इसमें। लेकिन हमारे पास जो सारी फैकल्टी है वो पुराने इंडिविजुअल सब्जेक्ट स्पेशल पढ़ा रहे हैं, 2008 से मैं पढ़ा रहा हूँ। अब मैं फीस पे आता हूँ। आपका ऑनलाइन जो फी है वो 60K है, आप यहाँ से इसको देख लें, ठीक है। फॉर फुल कोर्स आइदर CSS या PMS, और ऑन कैंपस जो है उसको हमने सिर्फ 5,000 ज्यादा रखा है, वो 65K है। आप इसके आपके पास फैसिलिटी क्या है, जो मैं बार बार बच्चों को कहता हूँ, कोई एकेडमी ये आपको फैसिलिटी नहीं दे रही, कोई एकेडमी ये आपको फैसिलिटी नहीं दे रही।
मैं ये बार बार आपको बताता हूँ, ठीक है, वो फैसिलिटी क्या है। नहीं जी, आइदर सीएसएस या पीएमएस, ये सीएसएस या पीएमएस की ये फी है, ठीक है। अच्छा, आप तो उसमें अगली बात कर ली, यहाँ पे सुन ले। अब इसमें आपके पास ऑप्शन क्या है, आप ये कोर्स 3 मंथ में कवर कर लें, आप हर महीने 3 से 4 सब्जेक्ट लें, आप हमारे पास ये कोर्स 6 मंथ में कवर कर लें, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड जो लोग पीएमएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि हमें भी ये लगता है सितंबर या अक्टूबर के अंदर आपका पीएमएस आ जाएगा, ठीक है। होने को लेट भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर चांसेस हैं कि यहाँ तक पेपर आ जाएगा। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने आपके पास ये हो गए। पीएमएस के अंदर यह है कि आपने 9 सब्जेक्ट सिर्फ तैयार करने हैं, 3 ऑप्शनल्स हैं और 6 आपके कंपल्सरी हैं। तो आप पर मंथ अगर 3 सब्जेक्ट तैयार करें तो आप ये इजीली तैयार कर सकते हैं, ठीक है जी। ये प्लान जो है, इसमें बेनिफिट ये है कि आप 5 मंथ में तैयार कर लें, आप 3, 4, 5, 6 मंथ में, अब ये सबको सूट करता है। आप किसी भी एकेडमी में चले जाएं, वो आपको 3 या 4 महीने का एक टाइम टेबल बना हुआ दे देंगे कि जी ये आपका टाइम टेबल है, ये फलानी क्लास करंट अफेयर की इस दिन होनी है, फिर यहाँ पे पाक अफेयर की होनी है, फिर यहाँ पे आपकी इस्लामिक स्टडीज की होनी है, फिर यहाँ पे जीएसए की होनी है। आप कुछ नहीं कर सकते, आपको इस टाइम टेबल को फॉलो करना ही करना है। हम आपको कहते हैं डिसाइड योर वर्कलोड एज पर योर कैपेसिटी, आप अपना वर्कलोड अपनी कैपेसिटी के मुताबिक डिसाइड करें। ये कोई भी आपको अपॉर्चुनिटी ऑफर नहीं कर रहा, ठीक है। और इसके अंदर आपको हम ये भी ऑफर कर रहे हैं कि आप सब्जेक्ट्स को इसमें इंशाल्लाह आपको हम कंसल्टेशन बकायदा देते हैं। जो बच्चे हमारे साथ इनरोल हो जाते हैं उनको बकायदा हम ऑनलाइन भी, ऑब्वियसली हम वैसे भी कंसल्टेशन दे रहे हैं, बट जारी बात है जो हमारे इंडिविजुअल स्टूडेंट्स हैं उनको पर्सनली, जो हमारे पास फुल पैक में इनरोल होते हैं, वी पर्सनली लिसन देम और उनकी बकायदा काउंसलिंग करके उनको हम एडवाइस करते हैं कि बेटा आप अभी फर्ज किया आपने 2 सब्जेक्ट्स ले लिए हैं या 3 ले लिए हैं, तो पहले आप इन पे फोकस करो। बाल बच्चों को बहुत जल्दी होती है, सर मुझे ये चौथे में भी इनरोल कर दो, मुझे पांच में भी इनरोल कर दो। तो मेरा उससे पहला ये सवाल होता है, आप पढ़ते किस वक्त हो? आप अगर बेटा आपने 4 सब्जेक्ट डेली पढ़ने हैं, एक क्लास 2 घंटे तो आपके लेगी, 8 घंटे आपके ये हो गए, 8 आवर, 7 से 8 घंटे की आपकी नींद है, आपने ट्रेवल भी करना है, नमाज भी पढ़नी है, खाना भी खाना है, तो आपने तैयारी कब करनी है? आपके पास तो 2 से 4 घंटे भी नहीं बचते तैयारी के लिए। वेन यू गाना प्रिपेयर दैट सब्जेक्ट? अच्छा, उसमें भी कुछ बच्चे होते हैं वो बहुत जहीन होते हैं, वो कहते हैं नहीं सर मैं ना ट्यूशन के साथ साथ मेरे से तैयारी नहीं होती, मैं एक दफा पहले ट्यूशन ले लेता हूँ, मैं फिर बाद में तैयारी करता हूँ। तो उसके लिए भी ये बड़ा हैंडी है प्रोग्राम, वो 3 महीने के अंदर कोर्स कवर करे, बाद में बैठ के अपनी तैयारी करे, वो 2 महीने में कर ले, हमें कोई मसला नहीं है। देखिए, तमाम दिमाग एक जैसे नहीं हो सकते, देर इज नो वन फिट फार्मूला फॉर ऑल, देर इज नो वन फिट फार्मूला फॉर ऑल। ये बाकी जगह पे सब पे क्या हो रहा है, एक ही फार्मूला सब पे लगाया जा रहा है, देर इज नो वन फिट्स फार्मूला फॉर ऑल, ठीक है। ऐसा कोई फार्मूला नहीं है तो जो सब पे फिट आ जाए, हर बंदे की अपनी अपनी कैपेसिटी है, ठीक है बेटा। सबको अलग अलग क्लास कैसे देंगे, हमें हम इंडिविजुअल क्लासेस भी ऑफर करते हैं, हमारे पास हर बैच की अलग से रजिस्ट्रेशन हो रही होती है। आपने अपना वर्कलोड डिसाइड करना है अपनी मर्जी से। आप हमें कहेंगे सर मुझे इस्लामिक स्टडीज में प्लेस कर दें, मुझे करंट अफेयर में, और सिर्फ सर मुझे प्रेसी कंप्रिहेंशन में भी प्लेस कर दें, हम आपको इन क्लासेस के अंदर इंगेज कर देंगे पहले महीने के अंदर। आप 2 दिन के बाद कहते हैं सर नहीं, वो मेरे से तो ना ये 3 सब्जेक्ट का जो है वो वर्कलोड मैनेज नहीं हो रहा, मुझे इस्लामिक स्टडीज से सर अभी रिमूव कर दें, ठीक है मैं अभी सिर्फ 2 ही चलाऊंगी, ठीक है, या चलाऊंगा। हम कहेंगे बेटा नो इशू, आप 2 चलाएं अभी, लेकिन ये फैसिलिटी सिर्फ ऑब्वियसली जो बच्चे हमारे पास फुल पैक के अंदर या जो पूरे कोर्स के अंदर रजिस्टर हुए हैं, हम उनको ये फैसिलिटी दे रहे हैं। अब इसके मतलब आप लोग, और अच्छा एक आपको बात बताऊं,
मैं अब नाम नहीं लेना चाह रहा, हमारी भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सेकंड थर्ड पोजीशन ली हुई है, या मैं एक बार बार कहता हूँ मैंने खुद जब तैयारी की मैंने सिर्फ इंग्लिश की कोचिंग ली थी, मेरे पास अच्छे रिसोर्सेज होते तो मैं अच्छी से अच्छी अकेडमी ज्वाइन करता, मैं खुल के कह रहा हूँ। मेरा अलहमदुल्ला मतलब मेरा अच्छा हम्बल बैकग्राउंड है कि बहुत मतलब ना कोई हम कोई लैंडलॉर्ड थे और ना कोई मतलब बहुत ही पतली हालत थी, ठीक है, कुछ फैमिली इशू से, ठीक है। आपको क्यों लगता है कि माहीन जो है उसको वर्ल्ड टाइम्स वाले भी उसको फोटो लगा रहे हैं, ठीक है, उसकी किप्स वाले भी फोटो लगा रहे हैं, आपको क्यों लगता है कि जो तजीन जफर है, ठीक है, वो हमारे पास भी इंटरव्यू दे रही है, ठीक है, वो वर्ल्ड टाइम्स किप्स भी, ठीक है ना। अब ये जो चीजें हैं भैया, जो स्टूडेंट्स हैं, जो सर गुलाम हुसैन ने भी अभी कहा भैया, जिनके पास रिसोर्सेज हैं वो उनको जहां से कोई अच्छी चीज मिलती है वो वहां पे पहुंच जाते हैं, वो वहां पे इस चीज का वो परेशानी नहीं फील करते कि भाई हमारा इस पे कितना खर्चा आएगा या क्या होगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप पैसे उजाड़े, कोई माई का लाल, मैं बार बार पिछली क्लासेस में भी कह सकता, कोई माई के लाल के में हिम्मत नहीं है कि किसी बंदे की गलत फोटो लगा दे, उसने उस एकेडमी में वो गया ना हो या उसने वहां पे पढ़ा ना हो, ठीक है। तो आपको अच्छा, अब उसमें होता क्या है कि सेल्फ स्टडी में बाज के साथ करते हैं, हमने भी किया, ठीक है, लेकिन आप फिर हिट एंड ट्रायल करते हैं, हिट एंड ट्रायल, आप एक साल या दो साल, ठीक है, जाया करते हैं, हिट एंड ट्रायल, ठीक है, एक या दो साल जाया करते हैं, फिर आपको समझ आती है, और बहुत सारे या तो फिर उसमें मायूस हो जाते हैं, ठीक है, और या फिर बहुत सारे जो हैं वो खौफ खा जाते हैं और खौफ के बाद छोड़ जाते हैं वैसे। तो ये जो चीजें हैं, अभी आप कोई जो क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, मैंने आपको एक प्लान हमने सारा डिस्कस कर दिया कि इफ यू वांट टू ज्वाइन अस, हमारी 28th से क्लासेस शुरू हो रही हैं, जो हमारा जुलाई का बैच है, 28th को पहली क्लास है, फर्स्ट उसका लेक्चर होगा, ठीक है, और इंशाल्लाह अगर कोई बंदा इसको चाहे तो वो 3 मंथ के अंदर कवर करना चाहे तो वो कर सकता है, और कोई चाहे तो 4 से 5 महीने में कवर करना चाहता है तो वो 5 या 6 मंथ में कवर करना चाहता है तो वो उसमें कवर कर ले। वी विल बी हेयर टू प्रोवाइड द काउंसलिंग एंड एवरी काइंड ऑफ एडवाइस, उसने सब्जेक्ट कौन से चूज करने हैं और किस तरह से करने हैं, ठीक है। कोर्स प्लान जो है बेटा, हम सिर्फ आपको टाइम टेबल शेयर कर सकते हैं, अभी कोर्स प्लान ये है कि वो आपने हमसे पर्सनली, हर बंदे ने अपना कोर्स प्लान कस्टमाइज करवाना है, यही तो कस्टमाइजेशन है। मैं आपको फिक्स कैसे शेयर करूं, मैं आपको टाइम टेबल अभी शेयर कर सकता हूं, 2 से 10 बजे तक हमारी क्लासे होती हैं, सुबह को भी हो रही होती हैं 7 से 10 बजे तक, आपको क्या कोर्स प्लान शेयर करें। ये तो हर बंदे ने अपना जो है वो एक प्रॉपर, उसने अपने सब्जेक्ट के मुताबिक उसने अपना कोर्स प्लान हमारे से बनवाना, ठीक है। ये हमारा जो मेजर क्लासेस जो है वो इन टाइम्स के अंदर हो रही होती है, ठीक है। अच्छा जी, अभी जो किसी बच्चे का जो हमारा अपकमिंग सेशन है, और एक यहाँ पे मैं फिर बता दूं, 26 को हमारा ऑन ग्राउंड 26 at 7 PM ऑन ग्राउंड हमारा सेशन है सैटरडे को 7 बजे, जो स्टूडेंट्स लेना चाहें वो आ सकते हैं। 28 से इंशाल्लाह हमारी रेगुलर क्लासेस शुरू होंगी, ठीक है। अभी को आप लोगों के क्वेश्चन हैं तो आप पूछ सकते हैं। आप बेटा ये हर सब्जेक्ट के, अब अगेन हर सब्जेक्ट के हमने टीचर्स को फ्रीडम दी हुई है, कोई कंपटीशन नहीं है। आप एकेडमी में चले जाए, मैं आपको लिखने को तैयार हूँ, 12 लेक्चर्स के अंदर साइंस कवर करवा रहे होते हैं, जनरल साइंस पूरी की पूरी, उन्होंने टीचर को मतलब कभी किसी पूछिए तो देखें, हमारा तो पूरा एक एक महीना चल रही होती है जनरल साइंस एबिलिटी, 24 लेक्चर हो रहे होते हैं, किसी टीचर पे कोई कंप्रेशन नहीं, एक टीचर की एक स्लॉट है, उसने अपनी मर्जी के मुताबिक पूरा कोर्स लेके चलना है, उसको खत्म करना है, ठीक है। बाकी फी के रिलेटेड देखें भाई, 60 जो हमने फी रखी हुई है, इसमें अगर आप कोई फर्दर जो इंस्टॉलमेंट चाहते हैं तो उसमें ऑब्वियसली आपको कास्ट ज्यादा पे करनी पड़ेगी, ये बाकी चीजें आप हमारे कोऑर्डिनेटर से, ये नंबर हमने बार बार पहले भी आप लोगों को लिखा हुआ है, इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं, ठीक है, या आप 368 या इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं।
777-3680, ठीक है, ये दो नंबर हैं, इन पे आप रापता कर सकते हैं डिटेल्स के लिए, ठीक है बेटा। फी टोटल अगर आप हमसे इंडिविजुअल सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो 90K के करीब फी बनती है, उसको हम 60K पे ले आए हैं ऑनलाइन के लिए, इससे ज्यादा और कंसेशन क्या दें हमें। हमसे फी की कंसेशन मांगने से पहले बाकी अकेडमीज की फी चेक कर लीजिएगा काइंडली, ठीक है। जो अच्छी अकेडमी है पढ़ाने को तो लोग 2000 में भी पढ़ा रहे हैं, उनके जिम्मेदार हम नहीं है, ठीक है। सो दिस इज आवर आर्गुमेंट। अब आपका जो क्वेश्चन है, आपका जो अभी को क्वेश्चंस हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं अभी क्वेश्चन आंसर सेशन ओपन करने लगा हूँ। काइंडली बस ये है कि आपने सब्जेक्ट सिलेक्शन के रिलेटेड या जो एक एक बच्चा जो है ना वो बार बार ये कह रहा है कि जी सीएसपीज में 60,000 फी है। यहाँ पे मैं क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि 60,000 फी होगी लेकिन प्लान हमारी तरह का नहीं होगा। वो बिल्कुल सही बात है, हाँ ये चीज जो है, और फिर फैकल्टीज जो है वो भी हर बंदे की अपनी मैटर करती है, ठीक है, इट्स योर चॉइस। जी बेटा जो जो क्वेश्चन को पूछना चाहते हैं दे कैन रेज देयर हैंड, ठीक है। एंड वन ईयर का पैकेज हम अभी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, वो भी हम इंशाल्लाह वी विल बी स्टार्टिंग सून, लेकिन वन ईयर देखें हमने बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उतनी ही लेते हैं जितने को हम निभा सकें। हम इंशाल्लाह वन ईयर की प्लानिंग कर रहे हैं, वी विल बी सून लॉन्चिंग आवर वन ईयर प्लान आफ्टर ईद, तो उसके भी इंशाल्लाह हम बहुत। जी बेटा अस्सलाम, जी बेटा अस्सलाम वालेकुम सर। एमएस भी देना है और सीएसएस भी देना है सर, वही सर पहले मैं सर पीएमएस पे फोकस करूं क्योंकि पीएमएस पहले आ रहा है। मेरा ख्याल है कि अगर आपकी बेसिक्स बेहतर हैं और आपका करियर और चीजें बेहतर हैं तो आप पीएमएस पे पहले फोकस करें और उसके बाद बड़ी आसानी से आप सीएसएस की अटेम्प्ट दे सकते हैं। सर पीएमएस एक्सपेक्टेड बेटा, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना मैं कहने को आपको अक्टूबर को नवंबर को नो का एक्चुअल डेट, ये सारी हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है, तो हमें लगता है सितंबर में हो सकता है, सर को लगता है नवंबर में हो, आप में से किसी को लगता है शायद अगस्त में हो, ठीक है। सो नो वन इज श्योर कि एग्जैक्ट डेट उसकी क्या हो। अस्सलाम वालेकुम सर, साथ को बुलाएगा, अस्सलाम सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान स्टडीज और करंट अफेयर्स सर, इसमें वेरियस टॉपिक्स हैं जो आपने करने हैं, आपने जैसे कि कहा कि न्यूज़पेपर जो है वो रेगुलरली पढ़ना चाहिए, तो सर ये मतलब कि मैनेज करना मुश्किल हो जाता है बंदा, या तो पाकिस्तान अफेयर करंट अफेयर का टॉपिक वाइज कर ले तो मेरा ख्याल है बेहतर है, न्यूज़पेपर में मतलब कि इरेगुलर टॉपिक्स हैं, कभी कोई टॉपिक आ रहा है कभी कोई टॉपिक, तो ऐसे ज्यादा मटीरियल इकट्ठा करके आप कंफ्यूज नहीं हो जाते, क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल ठीक है सैयद आदिल, मैं सर इसको मैनेज करने का तरीका बता दूं। मैं एक आपको यहाँ पे ना एक हमारे दोस्त है, मैं नाम बता देता हूँ, वो क्या था, डॉक्टर इस्माइल, सियालकोट के अंदर डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स पोस्टेड है। मैं बाकी का तो मुझे पता नहीं, कम से कम मैं वो एक बाहर सीएसके ऑफिसर को जानता हूँ जिसने तैयारी के दौरान न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, ठीक है, मतलब लिटरली उन्होंने कभी न्यूज़पेपर को हाथ ही नहीं लगाया। न्यूज़पेपर ओवर हाइप्ड है, ये जो आप वाली बात है, उन्होंने वोकैबुलरी कहाँ से तैयार की, उन्होंने पीएसएल वर्ड स्मार्ट या जो भी वोकैबुलरी की बुक्स हैं वहां से उन्होंने वोकैबुलरी तैयार कर ली। करंट अफेयर के लिए उन्होंने एंड पे दो या तीन किताबें खरीदी, वो क्वार्टरली आया करते थे इम्तियाज़ के, कंटेम्प्रेरी अफेयर्स के, वो दो से तीन ले लें आप कोई एक किसी और अच्छे पब्लिशर का या इकोनॉमिस्ट को, तीन चार आप इकट्ठे करें टॉपिक्स आपको मिल जाते हैं और वहां से उन्होंने अपना सारा करंट अफेयर तैयार कर लिया। ये बात आपकी ठीक है कि आप अगर प्रॉपर मैनेज करें तो एंड पे आप महीना डेढ़ लगाएं तो आपका करंट अफेयर तब भी रेडी हो सकता है। अब बाद का कुछ लोग तो क्या करते हैं, वो डेली दो दो घंटे लगा देते हैं। अच्छा कुछ लोग ये समझते हैं कि यार एकदम से सारा याद करना मुश्किल है, आप डेली घंटा घंटा पढ़ते जाए उसको दो बेनिफिट है। मेरा तो ये ख्याल अगर न्यूज पेपर को दे दें तो वो ज्यादा बेहतर है क्योंकि थोड़ा थोड़ा चीजें आपकी क्या होती है, अब न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है ये एक थोड़ा सा मसला है। ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती कि न्यूज़पेपर में, अगर इस पर भी ज़्यादा वीडियोस बनी हुई हैं
अब से फॉर एग्जाम्पल अगर जी कुछ स्पोर्ट्स के न्यूज रिलेटेड न्यूज आ गई है, या नवाज शरीफ पे, या शहबाज शरीफ पे, या इमरान खान पे, या जो इनकी पॉलिटिक्स चल रही है इस पे कोई न्यूज आ गई है, तो इस पे तो कोई क्वेश्चन नहीं आना। क्वेश्चन आपके इश्यूज पे आने, जो स्ट्रेटजिक इश्यूज होते हैं। तो बच्चों को क्या नहीं पढ़ना ये बड़ा जरूरी होता है, उसमें से शिफ्ट करना, और क्या चीजें पढ़नी। जी जिन्होंने 2023 में अपियर होना है जी, वो तैयारी देखें, उनके एकेडमिक बैकग्राउंड पर डिपेंड करता है। व्हाई नॉट वो अभी से तैयारी करें, तो 1.5 साल तो उनके पास बड़ा बेहतरीन टाइम है। 1.5 साल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता एक एक दो दो सब्जेक्ट करके वो तैयारी करते जाए। बस ये होता है कि आप करिश्मा और एनर्जी ना लूज कर जाए। जी नेक्स्ट जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वैसे तो सर अगर आप एक हाइपोथेटिकल आइडिया दें कि थीसिस की प्रिपरेशन कितने महीनों में हो सकती है, वैसे तो हर बंदे पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर एवरेज आप एक दे सकें। बेटा देर इज नो ऑब्जेक्टिव आंसर टू दिस वन। इट डिपेंड्स अपॉन वंस एकेडमिक बैकग्राउंड, उसकी कैपेसिटी, एबिलिटी। मैं आपको ये खास एथनिसिटी या खास ज्योग्राफिकल एरिया का नाम नहीं देना चाहूंगा मैं, चलो यूनिवर्सिटीज का नाम। एक लम्स का क्वालिफाइड बच्चा है, और एक जो है वो से फॉर एग्जाम्पल लिया कि किसी यूनिवर्सिटी का बच्चा सर माजन के साथ, या जामशोरो यूनिवर्सिटी से कोई बच्चा है, ठीक है। दोनों के एकेडमिक क्रेडेंशियल्स या जीसी यूनिवर्सिटी का राबने जो पढ़ा हुआ है, ठीक है, दोनों का एक्सप्रेशन सेम नहीं हो सकता, दोनों की अंडरस्टैंडिंग सेम नहीं हो सकती, दोनों दोनों 6 महीने के अंदर तैयारी नहीं कर सकते। हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं सिंध से, बलूचिस्तान से, उन बेचारों को तो 3 महीने 6 महीने इंग्लिश स्थिति करते लग जाते हैं। उनको कैसे हम कहें भी 6 महीने के अंदर सीएसएस की तैयारी कर लो आप, उनको हम कहें भी, उनको हम नीरोबियान के इंजेक्शन भी लगाते रहे ना कि भी आप 6 महीने की तैयारी कर लो सीएसएस की, हो सकती है। उनको उनके बड़ों ने समझा के भेजा होता है बेटा नहीं, 2 साल तैयारी करनी है सीएसएस की, वो 2 साल से पहले अटेम्प्ट लेने का सोचते नहीं, ठीक है। तो एवरी वन हैज इट्स ओन परस्पेक्टिव, सब्जेक्टिव आंसर है इसका, ऑब्जेक्टिव आंसर नहीं है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। सर मेरी जी, वस्सलाम। सर मेरा नाम साद है। सर आई एम सॉरी, मैं कल आपका सेशन सब्जेक्ट सिलेक्शन का तो नहीं ले सका, बट मैं आज अपना एक क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहता हूँ, अगर आप कहते हैं तो। सर बेटा मेरा ताल्लुक आपका एक, अच्छा बोले बोले। हाँ सॉरी सर, सर मेरा ताल्लुक जो है इस्लामाबाद से है, एंड सर मैंने सीएसएस ही देना है, पीएमएस में एलिजिबल नहीं हूँ क्योंकि मैं पंजाब से ताल्लुक नहीं रखता। सर मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं आईआर है, पब्लिक ऐड है, सर जी मेरे सब्जेक्ट्स आईआर है, पब्लिक ऐड है, एंड क्रिमिनोलॉजी है, सोशियोलॉजी एंड यूएस हिस्ट्री है, और मैंने देना भी सीएसएस ही है। पीएमएस के लिए मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं इस्लामाबाद से। काइंडली आप दोबारा दोबारा बोलेंगे। आईआर है, सर आईआर, पब्लिक ऐड, सोशियोलॉजी यूएस हिस्ट्री, सोशियोलॉजी एंड क्रिमिनोलॉजी। ठीक है, सब्जेक्ट कम्बिनेशन आपका, अगर ये बात अगर आपने पीएमएस में पीएम नहीं होना तो इट इज अ गुड कम्बिनेशन। थैंक यू सर। शहबाज राजपूत सर इंटरव्यू स्टडी बैकग्राउंड पूछे जाता है, भैया पूछते हैं, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। आपने किस चीज में डिग्री की हुई है तो भाई कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा ना, आप डिग्री करके आगे आपको उसको अलग भी ना पता हो, तो दे एक्सपेक्ट आप सॉफ्टवेयर में किया हुआ है तो वो आपसे अब सॉफ्टवेयर की कोडिंग तो नहीं पूछने लगे, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ उसके मुतलक पाइथन, सी प्लस प्लस, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, इन चीज़ों के मुतलक वो आपसे पूछ सकते हैं। जी बिगनर्स के लिए 6 महीने के अंदर वी बिलीव इट कि जिनकी जरा अच्छी तैयारी है वो दे कैन प्रिपेयर इट इन 6 मंथ, देर इज नो डाउट। जीएसए पोर्शन कैसे कवर करें, जीएसए पे हमारा पूरा एक लेक्चर होगा, या यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हुई हैं उस पे आप देख सकते हैं। मेरे ख्याल में अभी ना बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चंस आना शुरू हो गए हैं, लेट्स कॉल इट अ डे। सर मैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर, मैं कमल बात कर रही हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेना चाह रही थी कि जिन बच्चों की बेसिक्स बहुत वीक है उनके लिए आप थोड़ा सा सजेस्ट कर दें कि वो 6 महीने में कैसे अपनी सीएसएस की प्रिपरेशन को गो थ्रू कर सकते हैं। अच्छा मैं इस पे जनाब एक आपको प्लान दे देता हूँ, माजरा से सर गुलाम हुसैन से इजाजत चाहते हुए, ठीक है। आपका जिनका बहुत बेसिक है, एक तो पहली बात है आप फर्स्ट किया हमारे पास, अगर बेसिक इंग्लिश भी तैयार करते हैं ना तो इसका 3 मंथ का कोर्स, तो आपने पूरे 12 घंटे में क्या सिर्फ इंग्लिश ही पढ़नी है,
इन तीन महीनों में एक दो और तीन महीनों में साथ में एक से दो सब्जेक्ट क्या और भी करा सकते हैं? कम अज कम इन तीन महीनों के अंदर आप इनको म्यूट कर देंगे। आप इसके साथ एक एक बी हर महीने बेसिक इंग्लिश के साथ एक से दो सब्जेक्ट भी आप चलाएं तो तीन मंथ के बाद आपकी बेसिक लैंग्वेज भी तैयार हो चुकी होगी और कम से कम तीन सब्जेक्ट भी आपके तैयार हो चुके होंगे, ठीक है। और अगले थ्री मंथ्स के अंदर इसी तरह से आप तो सिक्स मंथ के अंदर तो बड़े आराम से, ये मैं कम अज कम बता रहा हूँ, क्या आप एक महीने के अंदर एक सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ सकते? एक ऑर्डनरी पर्सन को कम अज कम दो से तीन सब्जेक्ट्स तो मेरे ख्याल में हर महीने में लेने चाहिए। हाँ, चार वाला या पांच वाला काम मुश्किल हो जाता है, दो से तीन सब्जेक्ट्स, मतलब तीन सब्जेक्ट्स तो वो ले सकता है ना। इस्लामिक स्टडी के हफ्ते में दो लेक्चर लेने, करंट अफेयर के या पाक अफेयर के हफ्ते में तीन लेक्चर लेने, डेली या हफ्ते में दो दिन या तीन दिन इंग्लिश पढ़नी है, तो तीन सब्जेक्ट्स तो चलाए जा सकते हैं। तो चार जरब तीन बारह, आपका चार महीने के अंदर तैयारी हो जाती है, दो महीने के अंदर फर्दर आप रिविजन भी कर सकते हैं। हम अगर एक मिनिमम प्लान आपका अगर बनाए तो वो ये बनता है, बट अगेन ये इस पर पूरी डिटेल में डिस्कशन हो चुकी है कि देयर इज नो वन फिक्स फॉर ऑल फार्मूला, सबके लिए कोई फिक्स फार्मूला नहीं है, हर बंदे का अपना अपना है। अच्छा जी, वी एक जो आप लोग पूछ रहे हैं बार बार बेसिक इंग्लिश का, सर गुलाम हुसैन ने अलहमदुल्ला बेसिक इंग्लिश का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, इस पे वीडियोज हमारी पड़ी हुई हैं, पहले उसको देख लें, हम अब इस पे बहस नहीं करने जा रहे। ये थ्री मंथ का कोर्स प्लान है, ये उनके लिए है जो बच्चे आते हैं ना जो प्रॉपर से एक इंग्लिश का फिक्रा भी नहीं लिख सकते, दे कांट इवन स्पीक और दे कांट इवन राइट अ वन बेसिक सेंटेंस। दिस इज मेनली मेंट फॉर दोस्त जिनका जो यूनिवर्सिटी स्पेशली जो अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हुए हैं उनके लिए ये कोर्स नहीं है। वो सीधा अपना प्रेसी कंप्रीहेंशन का कोर्स ज्वाइन करें, उसके बाद एसे का कोर्स ज्वाइन करें या बाकी जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनको ज्वाइन करें। चले जी, बस वीकेंड पे सर अभी क्लासेस तो नहीं है हमारी, लास्ट पे हमारा जी मेकअप सेशन, हम मेकअप सेशन से आप पता नहीं आपकी क्या मुराद है, आप हमसे वैसे गाइडेंस या हमारा वो मॉक एग्जाम का सेशन तो होता रहता है, ठीक है, अलहदा से कोई इस तरह से मेकअप सेशन वगैरह हम भी उसमें से करवा रहे होते हैं, ठीक है। पाकिस्तान अफेयर में और करंट अफेयर में अगर आप खुद से हवा में तीर मार रहे होंगे तो फिर तो टाइम ज्यादा लगेगा ही, अगर आप टीचर के थ्रू हेल्प के थ्रू अगर आप चीजें करते हैं तो ये तो बड़े आराम से शॉर्ट टाइम में कोर्स कवर हो जाता है, इसमें तो ज्यादा टाइम लगता ही कोई, ठीक है। कंक्लूडेड सेशन फॉर समरी, जनाब बिल्कुल समरी हम कंक्लूड कर रहे हैं, सबके लिए एक फार्मूला नहीं है, देयर इज नो ऑब्जेक्टिव आंसर कि आप सीएसएस चार महीने में कर सकते हैं या छः महीने में कर सकते हैं या एक साल में कर सकते हैं, सबके सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है। जो बंदा आपको एक नंबर बता रहा है ना उसकी या तो अपनी सोच लिमिटेड है या वो तमाम सर्कमस्टांसेस को अकाउंट फॉर नहीं कर रहा। सबके लिए एक ही दवाई एक ही गोली नहीं हो सकती, और हम आपको ये ऑफर कर रहे हैं कि आप हमारे पास अगर एडमिशन लेते हैं तो आप अपनी मर्जी से अपना कोर्स कस्टमाइज करें, अपनी मर्जी से आप कोर्सेज हमारे साथ पढ़ें, ठीक है। और सर मैं ऐड करूंगा, सर फाइनली आप ऐड करेंगे, जो लोग ये समझते हैं कि दे डोंट नो देयर लेवल ऑफ लैंग्वेज एंड इंग्लिश, तो वो मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारा एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है जो हम स्टार्ट में कंडक्ट करते हैं, और उसमें हम ये चेक कर लेते हैं, गेज कर लेते हैं कि बच्चे का जो लेवल है वो इंग्लिश का क्या है, फिर हम अकॉर्डिंगली उसको बेसिक या फिर हम प्रेसी कंप्लीशन का जो एडवांस हमारा कोर्स है उसमें हम उसको शामिल कर लेते हैं। तो अगर आप हमारे साथ इनरोल होना चाहते हैं तो आप हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट दीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आपने बेसिक में आना है या फिर आपने एडवांस प्रेसी के कोर्स में आना है। जी सर, चलें सर जी, थैंक यू। मेरे ख्याल में अभी तो ऑडियंस जो है वो भी ऑब्वियसली जो मेजर चीजें थी हमारी डिस्कस हो गई हैं उनसे हम ठीक है सर, थैंक यू।
उनसे हम इजाजत चाहेंगे जी। थैंक्स एवरीवन फॉर योर टाइम। हमारा सैटरडे को ऑन ग्राउंड कैंपस जो ऑन कैंपस सेमिनार है सैटरडे को शाम 7 बजे आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम शायद कोई मजीद जो है इस पे वीडियो नहीं करेंगे, सब तक हमने मैसेज अपना क्लियरली कम्युनिकेट कर दिया है। आप हमें रेगुलर ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमने जो नंबर आपको चैट में भी दिया हुआ है उस पर आप लोग रब्ता कर सकते हैं। थैंक्स एवरीवन, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। बाय, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।